सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल। जिवें कि तुहानू पता ही है कि 1493 बैकलॉग ते 899 मास्टर कैडर इंग्लिश दीआं वैकेंसी सी ते ओह लैटर काफ़ी सारे साडे साथियों नूं दित्ते जा चुके सन ते रोज़ यही कमेंट करके पुछ रहे सी कि कदों तक सानू स्टेशन अलॉट किए जाणगे जी। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है ते चौथा नंबर पैरा पढ़ते हैं। बाकी तो जिवें तुहानू पता ही है कि उही कुछ लिखा हुंदा है। चौथे नंबर पैरे च की लिखा कि नव नियुक्त अध्यापक हेठां दसाए मिति अते समें अनुसार निजी तौर पर हाज़र हो के अपना स्टेशन चोण करनगे। सारे नव नियुक्त अध्यापक अपने नाल अपना नियुक्ति पत्र अपलाई करन दा सबूत अते अपना पहचान पत्र लै के हेठां दर्शाए अनुसार समय अते स्थान ते हाज़र होणगे जी। तो 20 अगस्त 2021 शुक्रवार वाले दिन नूं इन्हां नूं बुला लिया गया है। इन्हां नूं 1493 बैकलॉग जिवें इंग्लिश मैथ साइंस सी ते नाल ही 899 मास्टर कैडर इंग्लिश सारे कैंडिडेट्स नूं बुला लिया गया जिन्हां नूं ऑफर लैटर मिल लिया है। ठीक है, तो अंग्रेजी अंगहीन बैकलॉग सारे उम्मीदवार 10 बजे पहुँच जाएंगे रतन प्रोफेशन कॉलेज सुहाना मोहाली विखे। अगे है अंग्रेजी बैकलॉग ते नवी असामियां 1 तो 150 तक जिहड़े कैंडिडेट सी। ठीक है, इन्हां नूं बुलाया गया 10:30 बजे उही स्थान। अगे है जी अंग्रेजी बैकलॉग ते नवी असामियां ये सीरियल ऑर्डर दिता है जी, देख सकते हो लड़ी नंबर 151 तो 300 तक 12:30 बजे तक पुजन। दोस्तों पहला नहीं तुर पैना, ठीक है, पहला ना तुर पियो, जिस हिसाब नाल टाइम लिखा उस हिसाब नाल ही जाओ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता कि साढ़े साथी पहले ही 10 घंटे या 5 घंटे या 2 घंटे पहुँच जाते हैं, फिर उत्थे जाके की करना उन्होंने। चलो कुछ भी कर सकते हैं, चाह वगैरह पी सकते हैं, रोटी पानी छक सकते हैं, लेकिन हाँ तो टाइम टे निकलो ताजा तुम 1/2 घंटा या 1/4 घंटा पहला पहुँच जाओ। ये ना हो कि 4 घंटे पहले ही तुम पहुँच जाओ। ठीक है जी, अगे तुसी देख सकते हो जो भी अंग्रेजी बैकलॉग ते नवीं असामियां, फिर उस तो बाद 301 तो 400 तक 2 बजे बुलाए गए ने वही स्थान रतन प्रोफेशनल कॉलेज सुहाणा। फिर अंग्रेजी बैकलॉग ते नवीं असामियां 401 तो 550 तक ये जी बुलाए गए ने 3:30 बजे वही स्थान। अगे हिसाब वाले कितने बुलाए गए सारे उम्मीदवार अंगहीन, ये मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सैक्टर 82 मोहाली विखे। ओके, 10 बजे बुलाए गए ने। अगे हिसाब बैकलॉग 1 तो 100 तक 10:30 बजे बुलाए गए मानव रचना ते ही, मानव रचना इंटरनेशनल। हिसाब बैकलॉग लड़ी नंबर 101 तो 200 तक 12 बजे बुलाए गए ने। हिसाब बैकलॉग 201 तो 300 तक 1:30 बजे बुलाए गए ने। हिसाब बैकलॉग 300 तो 300 उपर वाले सारे 3 बजे बुलाए गए ने जी। ठीक है, अलग अलग स्कूल दिते गए ने दोस्तों। इस तो अलावा तुसी ये देख सकते हो साइंस अंगहीन बैकलॉग सारे उम्मीदवार 10 बजे बुलाए गए ने। साइंस बैकलॉग 1 तो 100 लड़ी नंबर 10:30 बजे बुलाए गए ने शिवालिक पब्लिक स्कूल फेज से मोहाली। ये तो जिमें कि बहुत नेड़े ही कह सकते हैं, मतलब कि कोई बस नहीं फड़नी पैनी, सीधा तो 6 फेज के जाके लभ सकते हो स्कूल शिवालिक पब्लिक स्कूल। अगे साइंस बैकलॉग 101 तो 200 लड़ी तक 12 बजे बुलाए गए ने। साइंस बैकलॉग 201 तो 300 लड़ी तक 1:30 बजे बुलाए गए नौही स्कूल शिवालिक पब्लिक स्कूल फेस से मोहाली। अगे साइंस बैकलॉग 300 तो 300 उपर ये 3 बजे बुलाया गया दोस्तों। बाकी तुसी देख सकते हो तो जिन्होंने बाद विच भी मिले ने, मतलब अंग्रेजी बैकलॉग के नवी असामियों में, तो उन्होंने भी शिवालिक पब्लिक स्कूल फेस से विखे बुलाया गया है जिमें कि 551 तो लैके 700 तक 10:30 बजे, 701 तो लैके 850 तक 12:30 बजे बुलाया गया है। तो अगे 851 तो लैके 1000 लड़ी तक 2 बजे बुलाया गया। तो 1000 तो उपर सारे जिन्हें भी लड़ी वाले हैं ने संख्या नंबर सीरियल वाइज उन्होंने 3:30 बजे बुलाया गया दोस्तों। तो कंग्रेचुलेशन, स्टेशन लेके आओ तो बिल्कुल ज्वाइन करो, फिर जिनी डेट तुहानू दित्ती जांदी है। पहला रौला सी कि हो सकता है कि ऑनलाइन दिते जाण, लेकिन नहीं ऑफलाइन दिते जाणगे स्टेशन इस बार। तो बहुत बहुत मुबारकां दोस्तों नूं। की किया गया है कि सिर्फ विशावार स्टेशन चोण सूची अनुसार स्टेशन अलॉटमेंट की जाएगी। अगर कोई नव नियुक्त अध्यापक अपने स्टेशन अलॉटमेंट
ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਡਟਸ ਰੂਲਸ 1966 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦਿਆਂਗੇ।